महाराष्ट्र की राजनीति अजित दादा पवार के नाम से मशहूर है। उनका जन्म 22 जुलाई 1959 को हुआ था। वो शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के बेटे हैं। अपने चाचा शरद पवार के नक्शे कदम पर चलते हुए अजित पवार ने राजनीति में एंट्री की थी और 1990 से अब तक 7 बार वो बारामती के विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। उनके राजनीतिक सफर पर एक नजर। क्या महाराष्ट्राला माहिती आहे, मी जर एखाद्याला ठरवलं आमदार नाही करायचं तर कोणाच्या बापाला ऐकत नाही। बाईस जुलाई 1959 को अजित पवार का जन्म अहमदनगर में उनके दादा के यहाँ हुआ था। अजित पवार के पार्थ और जय पवार दो बेटे हैं। उन्होंने अब तक 4 बार उप मुख्यमंत्री का पद संभाला है। अजित पवार कॉमर्स से ग्रेजुएट है और उनकी शादी सुनेत्रा पवार से हुई। शरद पवार के बड़े भाई के बेटे अजित पवार के राजनीतिक जीवन की शुरुआत वर्ष 1982 में कोऑपरेटिव चुनाव से हुई थी। महाराष्ट्र की राजनीति में कोऑपरेटिव पर वर्चस्व को सीधे सफलता की सीढ़ी से जोड़कर देखा जाता है। साल 1982 के बाद बड़ा मोड़ तब आया जब 1991 में अजित पवार पुणे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन चुने गए। फिर अजित पवार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1991 में ही उन्होंने पवार परिवार का गढ़ माने जाने वाले बारामती सीट से लोकसभा का चुनाव जीता। हालांकि कुछ ही समय बाद अपने चाचा शरद पवार के लिए उन्होंने ये सीट छोड़ दी। बाद में हुए उपचुनाव में मिली जीत के बाद शरद पवार पीवी नरसिम्हा राव सरकार में देश के रक्षा मंत्री बने थे। बारामती सीट पवार की खानदानी सीट है। इस सीट पर शरद पवार और अजित पवार का ही बोलबाला रहा। 1967 से 1990 तक शरद पवार यहां से विधायक रहे। इसके बाद 1991 से अब तक 7 बार अजित पवार यहां से विधायक चुने गए हैं। गौरतलब है कि अपने 60 साल के इतिहास में महाराष्ट्र में सिर्फ 9 डिप्टी सीएम हुए हैं। खास बात है कि इस 9 डिप्टी सीएम में 4 बार अजित पवार ही इस पद पर रह चुके हैं। अपने कई विवादित बयानों से भी अजित पवार काफी चर्चा में रहे हैं। पुणे और पिंपरी चिंचोड़ शहर अब अजित पवार का भी गढ़ माना जाता है। पिंपरी चिंचोड़ शहर अजित पवार के सपनों का शहर माना जाता है।